हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युद्ध हुए और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध भी यहीं हुआ। कहने का मतलब सीधा सा है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई यहां पर युद्ध होते थे, ताकतवर खेल होते थे, तो यहां के लोग भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हुआ करते थे। मतलब एक साधारण इंसान की बॉडी बहुत भयंकर होती थी और शायद तभी परमात्मा ने हमारे यहाँ हर एक खाने पीने की चीज दी जो कि शरीर के विकास के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। मतलब हर एक खाने पीने की चीज हमारे देश में होती थी और होती है, और ताकतवर फल, जड़ी बूटियां, फूड जो कि सिर्फ हमारे शरीर के लिए होते थे, हमारे देश में पाए जाते थे और लोग उन सबको खा खा कर अपने शरीर को ही तोप बना देते थे। शायद इसलिए पहले हमें बंदूक और तोप बनाने की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी और दूसरे देशों ने हमसे ही सीखा है खेती करना, अलग अलग फसलें उगाना। नहीं तो बाहर के लोग आलू प्याज से ऊपर कभी नहीं बढ़े। कहने का मतलब ये कुदरत की देन और परमात्मा का वरदान था। हमारे यहाँ हर एक ताकतवर फल, जड़ी बूटियां, मसाले पाए जाते हैं जिसे खाकर भारत के योद्धा ताकतवर बने और इतने सारे युद्ध लड़े। देखो हमारे यहाँ खुराक की कभी कमी नहीं रही। हाँ हमारे यहाँ नॉलेज की कमी जरूर है। डॉक्टर बोल देता है कि अंडा खाओ प्रोटीन के लिए, हम धर्म कर्म को भूलकर अंडा चिकन खाना शुरू कर देते हैं। हम सुन लेते हैं उनकी और हम कभी ये नहीं सोचते कि प्रोटीन सोया में भी पाया जाता है, दूध में भी होता है, पनीर में भी होता है। और आज भी अगर बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध दही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा दूध दही होता है। वो बात अलग है, ये सब होने के बावजूद भी हम लोग बाहर से आर्टिफिशियल से मंगवाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले तो कुछ शक्तिशाली जड़ी बूटियाँ बताऊंगा, उसके बाद कुछ फल या शक्तिशाली जूस बताऊंगा और कुछ फूड बताऊंगा जो कि बहुत शक्तिशाली होंगे, जिनको आप अपने हिसाब से खा सकते हो। क्या आप लोग जानते हो हमारे आसपास या फिर सड़कों के आसपास या फिर ट्रेन की पटरियों के आसपास ये जो ग्रीनरी होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, इनमें से अधिकतर जड़ी बूटियाँ होती है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है जो कि इंसान के शरीर के अंदर जाने के बाद एक एक दिन में इंसान की कमजोरी को ख़त्म कर देती है, शरीर में आग उठा देती है। मतलब पिछली 2-4 महीने की कमजोरी सिर्फ एक या दो दिन में ख़त्म कर देती है, लेकिन हमको उनके बारे में पता नहीं। और अगर पता भी होगा तो हमको खाने का तरीका नहीं पता, क्योंकि जो आयुर्वेद है, बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ के आयुर्वेद को बहुत हद तक ख़त्म करने की कोशिश की और कर भी दिया। बरगद के पेड़ के बारे में आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता तो भाई उसका पत्ता जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकल कर आता है, आपको पता होगा, ठीक है। जिसको अगर हम पतासे में डालकर उस दूध की 2 या 4 बूंदें पतासे में मिलाकर उस पतासे को हर रोज़ खाते हैं तो हमारी जो स्वप्न दोष की समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जब स्वप्न दोष की समस्या ख़त्म होती है तो वो बंदा बन जाता है वीर्यवान। और वीर्यवान कितना शक्तिशाली होता है गूगल पर सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, शरीर में धीरे धीरे शक्ति बढ़नी शुरू। इसके बाद जो शक्तिशाली जड़ी बूटी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, ठीक है, लेकिन ये बॉडी में ऐसी आग उठाती है कि इंसान को पता लगता है कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वांग भस्म की। इसके बारे में आप सर्च करो, जो पंसारी की दुकान पर मिलती है उसे खाने का तरीका पूछो, वो सब जानते हैं इसके बारे में। और जो मैंने आपको पहले बताया वो दूध का और पतासे का, ठीक है ना, बरगद के पेड़ वाला, उसको आप 10 से 11 बजे के बीच में खा सकते हैं सुबह। उसके बाद जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है वो होती है हल्दी। शायद सुनने में मजाक सा लग रहा होगा, है ना, आप सोच रहे होंगे कि क्या यार ये टाइम पास कर रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप में से 80% लोग नकली हल्दी खा रहे हैं। उन 80% में से मैं भी हूँ। तो भाई थोड़ा सा पैसा लगाओ और अपने घर वालों के लिए और अपने लिए असली हल्दी लेकर आओ, उसको पीसो और बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जो 3 समय सब्जी खाते हो उसमें हल्दी ही तो डलती है, और अगर आप लोग हल्दी ही नकली खाओगे तो उसका क्या फ़ायदा। अगर आप लोग असली हल्दी खाओगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की इतनी अधिक मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब नेचुरल अच्छी तरह से, जो कि नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, इतना अच्छा कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी कि घर में आपके किसी के भी घुटनों में, कमर में दर्द नहीं होगा और कमजोरी ये सब खत्म हो जाएगा। जो होते हैं ना, थक जाते हैं, सांस चढ़ जाता है काम करने पर, ये सब बीमारी खत्म, ये नकली चीज़ों की वजह से ही होता है। कुकर में खाना, नकली हल्दी, नकली मिर्च, इन्हीं की वजह से होता है थक जाते हो जो आप लोग। और आप सबके शरीर में अगर आलस है वो भी खत्म हो जाता है हल्दी खाने से। इसके बाद सबसे पावरफुल औषधि जो मानी जाती है शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, वो इस तरह से बनेगी। अगर आप लोग देसी गाय के दूध में अश्वगंधा, शतावर, कोंच के बीज, सफ़ेद मुसली, ये सब डालकर, ये इन सब का पाउडर डालकर 1-2 चम्मच पीते हो तो इससे आपके शरीर की जो पावर है सिर्फ 15 दिन के अंदर ही उठनी शुरू हो जाती है। बहुत डीप इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको दी है भाई, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इस पर कितनी मैंने स्टडी की है। इससे होगा ये कि जो बचपन से आपने उल्टे सीधे काम किए हैं ना, पूर्ण वीडियो देख देख के, उससे जो कमजोरी आपके दिमाग और शरीर में आई है, और उस कमजोरी से, ठीक है, और ये सब कमजोरी आपके शरीर में ख़त्म हो जाती है हमेशा के लिए। भैंस का दूध सिर्फ शरीर बनाता है और देसी गाय का दूध शरीर भी बनाता है, दिमाग भी बनाता है। क्या बात कही है मैंने, हमेशा याद रखना। और अगर
अब अगर बात करें इस महीने के इस समय के सबसे पावरफुल ड्रिंक ये कौन सा है, क्योंकि ये गर्मियों के महीने चल रहा है, तो इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ गोंद कतीरा सबसे पावरफुल ड्रिंक है आपके लिए इस समय। अगर नहीं पी सकते तो नींबू पानी हर रोज पीना है, और गोंद कतीरा आप हफ्ते में दो बार तो पीने की कोशिश करें ही करें। देखो हमारी बॉडी इस समय जब वर्कआउट करती है, इतनी सारी डाइट लेती है, तो जब हम गर्मी में थोड़ा बहुत गर्म तासीर वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारा लीवर में दिक्कत आने लग जाती है। इसलिए जब आप गोंद कतीरा या नींबू पानी पीते हो तो आपका पाचन तंत्र एक्टिव रहता है, और वो एक्टिव रहता है कि आने दो जो खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं होती फिर। और फिर आपकी बॉडी गंदे फैट में से एनर्जी निकालनी शुरू कर देती है, जिससे आपका स्टैमिना बढ़ता है और जिससे आपकी बॉडी खिलने लगती है। भारत के सबसे शक्तिशाली जो फूड है उसमें सबसे पहला है पीनट बटर। अगर आप इसको शेक में डालकर पीते हो तो आपका वजन मसल्स तेज़ी से बढ़ेगा, मसल्स का जो वेट होता है वो तेज़ी से बढ़ेगा। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर आता है गुरबंदी के बादाम, छोटे छोटे से होते हैं। इन बादामों में तेल इतना अधिक होता है कि आपके अंदर चिकनाहट बनी रहती है, आपके शरीर के साथ साथ आपका चेहरा बाल सब कुछ अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके बाद सबसे शक्तिशाली फूड है हमारा देसी चना, जिसको पहलवान से लेकर युद्ध तक में खाया जाता, युद्ध होते थे उनमें भी इसको खाया जाता था, युद्ध में इनको भर भर कर ले जाया जाता था, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अधिक मात्रा में होता है और प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में होता है। पता क्या है, जो कच्ची चीज़ें होती है ना, बढ़िया बढ़िया मूंग दाल को भिगोना, चने को भिगोना, ये पचती बहुत जल्दी है। और खाना, रोटी खाना, जैसे रोटी को पचने में, दलिये को पचने में, फल सब्जी को पचने में, पानी तक को पचने में, इन सबको पचने में कितना समय लगता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, अगर चाहो तो मुझे कमेंट करो। उसके बाद सबसे शक्तिशाली फूड जो होता है हमारे देश में है वो होती है दूध से बनी हुई चीज़ें अलग अलग, जिनके आगे सब कुछ फैल है, सब कुछ फैल है मेरे भाई। जैसे कि सबसे शक्तिशाली होता है दूध से बना वो होता है देसी घी, सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे ज़्यादा पावर इसमें होती है। और अगर देसी गाय का देसी घी मिल जाए तो उसकी तो भाई कोई, उसके आगे तो सब चीज़ें फैल है, वो तो अमृत अमृत माना जाता है, अमृत की जगह उसको दी गई है। और ऐसे ही दही होती है सबसे पावरफुल। दही एक ऐसा मतलब ऐसा फूड है ना दही, जिसको अगर आप खाते हो आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगी और आपको प्रोटीन भी देगी। और कोई ऐसा फूड नहीं है जो आपके पाचन, सब फूड को पचाने में, प्रोटीन वाले जितने फूड है सबको पचाने में पाचन तंत्र की पावर लगती है, लेकिन दही एक ऐसा है, मतलब ऐसी शक्तिशाली चीज़ है दही, जिसको आप खाते हो आपका पाचन तंत्र भी साथ साथ सही होता है, मजबूत होता है, और आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलता है, आपकी मसल्स ग्रोथ भी होती है। दही लस्सी, ऐसी प्रोटीन, खोया, पता नहीं कितनी पावरफुल ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर कोई इंसान पूरे अनुशासन के साथ खाए, अनुशासन के साथ वर्कआउट करे और अनुशासन के साथ अपनी काम वासना को रोके, तो उसका शरीर सिर्फ 3 से 4 महीने में ही उठना शुरू हो जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी सबसे पावरफुल चीज़ें हैं जिसको अगर आप अनुशासन के साथ खाते हो तो भाई पक्का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना रिजल्ट मिले। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा फल के ऊपर जो इस सीजन में चल रहा है, जैसे कि जामुन क्या होता है हर रोज जामुन खाने से। कमेंट करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।